ये जो इलीगल बैन है इस बैन को उठा दिया जाए। पश्चिम बंग के लोगों के इस फिल्म देखने से मना करके ये एक बेसिक ह्यूमन राइट को लंघन करना लगता है। हर पॉलिटिकल पार्टी ये तय करे कि क्या वो उन लड़कियों के साथ है या वो उन लड़कियों के खिलाफ है। ये एक फिल्म है, ये कोई लड़ाई करने का अखाड़ा तो है नहीं। लोग देखना चाहते हैं और लोग देख भी रहे हैं। तो पश्चिम बंग की लोगों के इस फिल्म देखने से मना करके ये एक बेसिक ह्यूमन राइट को लंघन करना लगता है। लगता है कि ये सबके अधिकार है, ये फिल्म देखने का अधिकार कार्व करने के नहीं करना चाहिए। और हमें आपके ज़रिए उनको रिक्वेस्ट ये करना है कि जल्द से जल्द ये जो इलीगल बैन है इस बैन को उठा दिया जाए और लोगों को जो मनोकामना है ये फिल्म देखने का उनको देखने दिया जाए। उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिए, सीएम सर से आज मुलाकात हुई है। हमने अभी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद बोलने आए थे कि ये टैक्स फ्री करके उत्तर प्रदेश के लोगों को ये फिल्म देखने की मौका, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखने की मौका दिए हैं, इसलिए हम उनसे आभारी हैं। बंगाल जैसा स्टेट फिल्म को बैन करता है तब हमें एक सहकार, एक 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 धन्यवाद की बहुत ज़रूरत थी। यूपी सरकार और माननीय योगी जी ने ये कदम उठा के हमारे हौसले को बहुत बढ़ाया है, हमारी जो सोच थी उसको मजबूत किया है और लोगों तक एक बहुत ज़बरदस्त संदेश भेजा है। और इसी का परिणाम है कि बहुत सारे लोग बहुत बड़ी तादाद में इस फिल्म को दिन ब दिन देख रहे हैं और ये फिल्म लोगों के दिलों को बहुत अच्छी तरीके से टच कर रही है। तो बहुत धन्यवाद है, हम शुक्रगुजार हैं कि ये काम हुआ। हर पॉलिटिकल पार्टी ये तय करे कि क्या वो उन लड़कियों के साथ है या वो उन लड़कियों के खिलाफ है। अगर आप एक लड़कियों के इस प्रॉब्लम को एक्सपोज करती हुई फिल्म को बैन कर रहे हैं तो आप हर लड़की को क्या मैसेज दे रहे हैं? आप हर लड़की को क्या कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का रुख क्या है? ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए जो ये डिसीजन ले रहे हैं।